वेलकम। आज के इस ट्रेन के एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये जो ट्रेन आपका जो चैप्टर है वो टाइम एंड डिस्टेंस का एक पार्ट है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। कैसे कि जैसे कोई एक ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म है या कोई ब्रिज है तो वो उसको पार करता है, ठीक है। तो एक चीज तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, मतलब स्थिर रहेगी, और एक चीज आपकी कह सकते जो ट्रेन है वो मूव करती है। किसी कंडीशन में होता क्या है कि एक ट्रेन और एक और दूसरी ट्रेन वो आपस में दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस करना मतलब क्या होता है कि एक तो अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे, एक उसी डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे। और जब उसी डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं तो एक की स्पीड थोड़ी कम होनी चाहिए और एक की थोड़ी ज्यादा, तभी वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, अदरवाइज क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सेम कंडीशन वही है जो आपकी टाइम एंड डिस्टेंस में है कि इसमें भी आपकी स्पीड होगी, एवरेज स्पीड भी होगी और टाइम भी होगा और डिस्टेंस भी होगी, ठीक है। तो काफी स्टूडेंट को इसमें ट्रेन चैप्टर में क्या होता है कि डर लगता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसी कॉन्सेप्ट से यार इस ट्रेन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा तो एक बात और मैं बता देता हूं कि स्पीड जो होती है इसमें ट्रेन की वो आपको जनरल क्या 99% जो है आपको दो ही कंडीशन में दी जाती है। एक कौन कंडीशन दी जाएगी कि मीटर पर सेकेंड और दी जाती है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको अगर इसमें निकालना हो तो इसमें आप फाइंड कीजिए और इसमें निकालना हो तो इसमें कीजिए। बस कंडीशन क्या रहती है कि इन दोनों को चेंज कैसे करते हैं हम, तो चेंज करने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोनों कंडीशन में 5/18 या 18/5 इन वैल्यूज का बहुत महत्वपूर्ण रोल है यहां पर। कैसा कि कभी आपकी स्पीड दी जाएगी किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां 5/18 लगाना है, कहां पर 18/5 लगाना है, ठीक है। तो उसकी एक शॉर्ट ट्रैक है, आप लोग यहां से ध्यान से देखिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। किलोमीटर अगर हम देखा जाए तो ये संख्या कैसी होती है, बड़ी। इससे ये बड़ी होती है क्योंकि किलोमीटर आपका होता है 1 किलोमीटर बराबर होता है कितना, 1000 मीटर, और ये आपका ये होता है छोटी संख्या, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब भी मुझको किलोमीटर पर हावर में कोई वैल्यू दी गई हो और मीटर पर सेकंड में लानी है, बड़ी से छोटी की तरफ लानी हो, तब हम क्या करेंगे, बड़ी से छोटी की तरफ लानी हो तो जो संख्या ऊपर छोटी होगी, छोटी कौन सी है, 5/18। तो 5/5 को ऊपर रखेंगे क्योंकि ये छोटी है, और जब भी छोटी से मुझको बड़ी लानी है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में लाना है, तो हम क्या करें, बड़ी संख्या कौन सी है ऊपर, 18। तो यहां करेंगे 18/5, ठीक है। बस ये इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है, अदरवाइज तो सब इजी है। देखिए कैसे, इसमें भी काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं, जब क्वेश्चन आपके आगे होंगे तो मैं बताता चलूंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए स्पीड ऑफ 33/1/3, ठीक है, 33 कंप्लीट 1/3 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर जो आपको स्पीड दी गई वो मीटर पर सेकंड में दी गई है, इज द सेम एज, मतलब आपसे ये पूछा गया है कि कोई भी स्पीड है 33/1/3 मीटर पर सेकंड है और आपसे पूछा गया है कि ये स्पीड को आपको चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर हावर में। तो मैंने आपको बताया था मीटर पर सेकंड आपकी वैल्यू कैसी होती है, स्मॉलर मतलब छोटी होती है, छोटी से आपको बड़ी की तरफ लाना है, और बड़ी मैंने यहां आपको बताया था 5/18 और 18/5।
तो ये स्मॉलर वैल्यू आपकी है, और आपको लाना कहाँ है, ग्रेटर में। और ये आपका होता क्या है, किलोमीटर पर आवर। और छोटी से बड़ी के लिए लानी, तो बड़ों को हम कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो बड़ी मेरी कहाँ है, ऊपर, यानी कि इसका मल्टीप्लाई यहां पर होगा। तो इसको आप सही उसमें बनाइए, तो 99 प्लस 100, 100/3, और मल्टीप्लाई आपको कौन सा करना है, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला कहाँ है, ऊपर, यानी कि 18/5। ठीक है, इसको काटिए, 120 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हुआ थर्ड। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको एक स्पीड दी गई थी, वो दी गई थी मीटर पर सेकंड में, 33 1/3। इसको मैंने सिंपल फॉर्म में किया, तो 100/3। और आपको क्या करना है, छोटी से बड़ी की तरह बांधनी है। तो बड़ी में आपको क्या करेंगे, जो ऊपर बड़ी संख्या होगी 18 है, तो इसका आपको मल्टीप्लाई 18/5 का करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 120 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। इफ ए मैन रनिंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर हावर क्रॉसेस ए ब्रिज, एक जो मैन है, एक जो आदमी है, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और उसने एक पुल को 5 मिनट में क्रॉस कर लिया। द लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो उस ब्रिज की लंबाई कितनी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये आपका ब्रिज है, ठीक है, इस ब्रिज की लेंथ क्या है मुझे पता नहीं, वही फाइंड करनी है। और यहां से एक मैन चला, यहां से मैन दौड़ा, और ये मैन दौड़ते दौड़ते कहां पहुंच गया, इधर, तभी तो पुल पार होगा ना। तो यहां से यहां पहुंच गया, तो इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 15 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर ये यहां से यहां पहुंचा, और इसको समय कितना लगा, समय लगा दोस्तों 5 मिनट। लेकिन इसमें 5 मिनट का कोई खेल आई थिंक कम ही होता है। आप क्या करेंगे, या तो इसको हावर में चेंज कीजिए, या इसको सेकंड में चेंज कीजिए। तो आंसर भी आपको मीटर में लाना है, तो मीटर का जो रिलेशन होता है वो सेकंड से होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मिनट को हम चेंज कर देंगे सेकंड में, और सेकंड में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 60 का मल्टीप्लाई जैसे मैंने किया, तो आपका हो जाएगा 300 सेकंड। ठीक है, और किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में लाना है, मतलब छोटे में लाना है। तो छोटे में लाना, तो मैंने क्या बोला था कि 5 ऊपर रहेगा, 18 नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको डिस्टेंस ही तो फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो आप ये आ गई, और टाइम आपके पास कितना है, 300। ठीक है, क्योंकि ये आपका है मीटर, और मीटर है तो ये आपका क्या हो जाएगा, पर सेकंड। ठीक है, और मीटर पर सेकंड में आपसे आंसर पूछा गया है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने 3 से काट दिया। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है, आपको ये देखिए, यहां भी 5, यहां भी 5, और यहां भी 5। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और 10, 1250 जो है ब्रिज की लंबाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैंने ऑप्शन नहीं दिए, इसका आंसर हो जाएगा 1250 मीटर। ठीक है, क्योंकि मीटर में आपसे पूछा था। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। और जब इसी को करेंगे स्पीड का, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो आप लोग आई थिंक जानते ही होंगे।
आइए एक थर्ड नंबर क्वेश्चन तरफ चलते हैं। उसमें क्या है कि एक ट्रेन 20 मीटर लॉन्ग, ठीक है, देखते हैं ट्रेन, ये आपकी ट्रेन है 200 मीटर लॉन्ग, 200 मीटर लॉन्ग ये आपकी ट्रेन है, रनिंग विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर विल पास ए स्टैंडिंग मैन। यहां पर कोई आपका मैन खड़ा हुआ है, यहां पर ना मानकर आप मानिए कि ये आपका मैन खड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो स्पीड उसकी है वो कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही है। ये आपकी मान लीजिए ये आपका मैन खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये आपकी क्या है ट्रेन, तो यहां पर मैन खड़ा हुआ है और ये ट्रेन, क्योंकि मैन साफ साफ बोला है कि मैन जो है वो आपका बिल पास ए स्टैंडिंग मैन, मतलब मैन खड़ा हुआ है, मैन मूव नहीं कर रहा है, जब मैन मूव नहीं कर रहा है तो मैन ऐसे खड़ा है और ये ट्रेन आपका जो है क्रॉस किया, क्रॉस किया, अब यहां पर जाके क्रॉस हो गया, ठीक है। देखिए यहां पर भी ट्रेन क्रॉस नहीं हुई, यहां पर भी नहीं हुई, और यहां पर कहां पर क्रॉस हुई, यहां पर मींस कि इस ट्रेन ने इस आदमी की लंबाई क्रॉस ना करके अपनी खुद की लंबाई क्रॉस की है, तब आदमी क्रॉस हुआ। और जब भी कोई आदमी हो, पोल हो, सिग्नल हो, तो हम ये मानते हैं कि ट्रेन अपनी खुद की लंबाई क्रॉस करती है, ना कि मैन की, क्योंकि मैन की कुछ लंबाई है ही नहीं इधर, ठीक है, तो वो अपनी खुद की लंबाई क्रॉस करती है। मींस ये ट्रेन जब यहां से स्टार्ट होगी और ये वाला पूरा पार्ट जब यहां पहुंच जाएगा तब मानेंगे कि मैन को क्रॉस किया है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे कि हम जो ट्रेन की डिस्टेंस है उसी को हम डिस्टेंस मानते हैं, ट्रेन की जो आपकी लंबाई है उसी को हम डिस्टेंस मानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपका मीटर है और आंसर आपको लाना है सेकंड में, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू को मीटर पर सेकंड में चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, तो हम क्यों ना इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दें। 30 किलोमीटर पर आवर को हम जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो मैंने आपको दोस्तों बताया था कि सबसे पहले तो इसको चलो बाद में चेंज कर लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपसे आपसे पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो टाइम बराबर होगा क्या आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस आपकी कितनी है, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि किसी भी मैन को जब ट्रेन क्रॉस करती है तो ट्रेन की जो लंबाई होती है वो खुद को अपना क्रॉस करती है, तो मानेंगे कि आदमी को क्रॉस कर लिया, ठीक है, तो यहां पर आपकी ये डिस्टेंस होगी, स्पीड आपकी है 30 किलोमीटर पर आवर, और जब स्पीड इतनी है तो हम क्या करेंगे, लेकिन ये है कसम किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, यानी कि छोटा ऊपर रहेगा और नीचे बड़ा, ठीक है। अब आपको 18 कहां पहुंच जाएगा आपका, ये ऊपर, ठीक है, तो यहां से ये हट गया, अब आपसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, 4 6 24, तो 24 सेकंड आपका आंसर आएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब भी कोई ट्रेन किसी स्टैंडिंग मैन को, खड़े हुए आदमी को क्रॉस करती है तो वो अपनी खुद की लंबाई क्रॉस करती है, मींस कि उसी को हम अपना डिस्टेंस मान लेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कोई आपकी ट्रेन है जो कि 280 मीटर लॉन्ग है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म, उसने प्लेटफॉर्म को पार किया, जो कि प्लेटफॉर्म 220 मीटर लंबा था, ये आपका हो गया प्लेटफॉर्म 220 मीटर। देखिए फ्रेंड्स ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसी पर मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इसी फिगर पर,
आपको कोई एक्स नहीं मानना है, आपको कोई वाई नहीं मानना है, आपको कोई भी इक्वेशन नहीं बनानी है, सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व होंगे। तो आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां से आपको टाइम पूछा है कि ये ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। अच्छा, आप जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्योंकि आने वाले सारे क्वेश्चन जो होंगे ट्रेन के वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस रहेंगे, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, कि जब भी एक ट्रेन में पहले इस फिगर को ट्रेन से डिनोट करूंगा और सेकंड वाले को प्लेटफॉर्म या ब्रिज या जो भी कुछ हो, ठीक है। तो ये आपकी ट्रेन हो गई और ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया। मींस कि ये ट्रेन जब क्रॉस करेगी तो ये यहां पर पहुंचेगी, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका प्लेटफॉर्म है और ये आपकी ट्रेन है। इस ट्रेन ने जब भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया तो ये कहां पर क्रॉस किया, यहां पर। मींस उसने अपनी खुद की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों लंबाई को क्रॉस किया, तब हम मानेंगे कि प्लेटफॉर्म को उसने क्रॉस किया, ठीक है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो हम मानते हैं कि ये पूरी डिस्टेंस उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया, ठीक है फ्रेंड। हम क्या करेंगे कि जब भी स्पीड होगी तो पूरी हम काउंट करेंगे, और टाइम जो होगा वो आपका पूरा टाइम माना जाएगा। कि अगर आप मान लो आंसर आता है 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 घंटा, तो ये मानते हैं कि ये पूरा टाइम टेकन इसने लिया, क्योंकि ट्रेन अपनी स्पीड प्लस प्लेटफॉर्म की स्पीड। तो यहां पर है 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप लोग यहां पर एक चीज देखिए कि जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उस कंडीशन में दोनों की जो डिस्टेंस होती है, दोनों की जो लंबाई होती है वो ऐड होती है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेन जाएगी तो हम क्या करेंगे, मान लो ये ट्रेन चल रही है और ये भी चल रही है, लेकिन ये इतनी स्पीड में है कि ये क्रॉस कर लेगी, मतलब जब तक ये ट्रेन यहां पर नहीं पहुंचेगी तब तक वो क्रॉस नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों कंडीशन में ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड करना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर मेरी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई दोस्तों, तो ये आपका हो गया कितना, 4500। डिस्टेंस आपका हो गया 500, और यहां जो आपकी स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहां पर टाइम टेकन की बात की, अगर मीटर है तो यहां पर टाइम हम सेकंड में निकाल देंगे, तो यहां आप सेकंड में निकालने के लिए मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा, तो 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकंड छोटा होता है, तो यहां पर 5, यहां पर 18। आप क्या करेंगे, इस 18 को कहां लाएंगे, ऊपर, ठीक है। इसको यहां से हटा दिया, 0 से 0, 6 3 18, और यहां पर आपका आ जाएगा कितना 10, मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, 30 सेकेंड, ठीक है। मीन्स वो 30 सेकेंड में इस ट्रेन को, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो 30 सेकंड यहां पर ऑप्शन नहीं है आपका, तो 30 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए कि 280 मीटर की ट्रेन जो लंबी है, प्लेटफॉर्म है आपका 220, और मैंने बोला है कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रॉस करती है तो दोनों की लंबाई ऐड करते हैं, तो दोनों की लंबाई मैंने ऐड किया 500, और स्पीड जो आपकी वो किलोमीटर पर हावर में, और जब भी मीटर की बात करते हैं तो हम मीटर पर सेकंड में स्पीड को लाते हैं, तो मीटर पर सेकंड में लाने के लिए हमने क्या किया, 5/18, क्योंकि 5 छोटा है और मीटर पर सेकंड भी छोटा होता है, 5/18, इंच 18 को हम ऊपर ले गए, और जब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आपका आ गया 30 सेकंड। मतलब 30 सेकंड में एक ट्रेन 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेगी अगर वो 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलती है। आइए हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ए ट्रेन 50 मीटर्स लॉन्ग, मैंने आपसे क्या बोला, जो पहला फिगर बनेगा वो ट्रेन का बनेगा, 50 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 50 मीटर लंबी है। पासिस ए प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग, जो आपका प्लेटफॉर्म है वो कितना है, 100 मीटर, मैंने बोला था यहां पर आप बनाएंगे ट्रेन और यहां पर प्लेटफॉर्म, इन 10 सेकेंड,
मतलब वो 10 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो 10 सेकंड में मतलब टाइम जो पूरा लगेगा वो यहां से यहां तक लगेगा 10 सेकंड, ठीक है। 50 मीटर आपकी लंबाई है ट्रेन की, 100 मीटर है किसकी, प्लेटफॉर्म की, और वो 10 सेकंड में पार करती है। मतलब जब ट्रेन खुद को पार करे और उसको प्लेटफॉर्म को पार करे, मतलब पूरा आपका 10 सेकंड लिया उसने, ठीक है। अब क्या पूछा है, द स्पीड ऑफ द ट्रेन, और ट्रेन की स्पीड पूछी है वो भी किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहां पर भी सेकंड है और यहां पर भी मीटर है, तो यहां पर चेंजेस करने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि आपसे पूछा है टाइम, क्या पूछा है, स्पीड, सॉरी स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, और कोई भी ट्रेन जब भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो दोनों की लंबाइयों को हम ऐड कर देते हैं, वही मेरा डिस्टेंस हो जाता है। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ये मेरा हो गया 150, और टाइम आपको पता है कितना है, टाइम आपको पता है 10 सेकंड, इससे क्रॉस किया तो 15 मीटर पर सेकंड, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। तो देखिए दोस्तों कितने इजीली से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़े इजी लेवल के थे। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं टफ लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर देखते हैं कि इस फॉर्मूले का, इस मेथड का, या कहते हैं इस लाइन डायग्राम का आपका कितना महत्व है। जब आपसे ये पूछा जाएगा कि एक ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेन की लंबाई इतनी दी गई, मान लो 100 दी गई है, वो इतने सेकंड में पार करती है, एक मैन को इतने सेकंड में पार करती है, इस बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हुई। तो आप देखिए कि बस आपको फिगर बनाना है और आपको डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप उसके लिए वेट कीजिए सेकंड पार्ट के लिए, तब तक आप इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को थोड़ा पढ़िए, इसको बार बार क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए, कल तक के लिए मैं ट्रेन का सेकंड पार्ट डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।